बीजेपी ने जीत के लिए अष्टभुजा प्लान तैयार किया, जिसके जवाब में अब समाजवादी पार्टी ने भी चक्रव्यूह प्लान तैयार कर लिया है, जिसे बीजेपी के प्लान की काट के तौर पर बनाई गई रणनीति का हिस्सा बताया गया। इस बीच सीएम योगी ने अखिलेश के गढ़ में चुनावी हुंकार भर एक बार फिर लोगों से जाति के नाम पर ना बटने की अपील की, जिस पर सियासत तेज हो गई। कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यह सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है। जिन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए वो मन विधान के हिसाब से चल रहे हैं। ये पहुआ अभी पारित नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेरपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो। यूपी में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। रणनीतियों को नया रूप दिया जा रहा है, अपने अपने वोट बैंक साधे रखने का प्लान बन रहा है और कोशिश यही है कि हर हाल में जीत मिले। उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाला प्लान तैयार किया, तो उसकी काट के तौर पर अब इंडिया गठबंधन ने भी चक्रव्यूह प्लान तैयार किया है, जिसमें 7 मुद्दों पर फोकस किया गया है। प्लान 1 में खास तौर पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर नजर होगी, जो पढ़े लिखे वर्ग से हैं और बीएसपी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने से फिलहाल कतरा रहे हैं। प्लान 2 में महिला अपराध को मुद्दा बनाकर महिलाओं का समर्थन हासिल करने की रणनीति बनाई गई है, जिसके लिए महिला विंग काम में जुटी है। प्लान 3 में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता राहुल, प्रियंका, अखिलेश एक साथ एक मंच पर मौजूद होकर ये दिखाएंगे कि उनमें कोई बिखराव नहीं है। इसके साथ ही एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की काट के लिए बड़ी रैलियां की जाएंगी। प्लान 4 के तहत समाजवादी पार्टी ने एक बूथ 20 यूथ की रणनीति तैयार की है, जो लोगों से संपर्क और संवाद करके पार्टी के विचारों को उन तक भी पहुंचाने का काम करेगी और चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं की होगी। प्लान 5 में समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के तौर पर पीडीए पर ही फोकस करेगी, जिससे उसे लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। प्लान 6 के तहत समाजवादी पार्टी जमीनी प्रचार के साथ पोस्टर और सोशल मीडिया पर भी प्रचार के लिए फोकस करेगी, जिसमें सभी एसपी नेताओं को एक्टिव रहना होगा। प्लान 7 में एसपी नेता उपचुनाव वाले इलाकों में आपराधिक घटनाओं के पीड़ित लोगों की मदद करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे ताकि इसका फायदा मिले। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपना अष्टभुजा प्लान बनाया है, तो वहीं बीजेपी को जवाब देने के लिए अब इंडिया गठबंधन ने भी अपना चक्रव्यूह प्लान तैयार कर लिया है। इंडिया गठबंधन के दोनों दल सपा और कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ तमाम रैलियां करेंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अलग अलग वर्गों को साधने के लिए टीमों को लगाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अष्टभुजा प्लान को विफल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर चक्रव्यूह रचना कर दी है। वहीं इस प्लान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही एकजुटता के साथ बीजेपी को मात देने का दावा किया। हमारे सभी नेता संयुक्त रैली करेंगे, एक उद्देश्य कि जो भाजपा सरकार बनने के बाद इस प्रदेश के दलितों, पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाल रही है, लोगों को महंगाई और बेरोजगारी की मार से परेशान कर रही है, उनको रोका जाए। भाजपा की जो बुनियादी मुद्दों पे फेल है, जो लोकतंत्र के साथ वो खिलवाड़ कर रही है, जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उसका जवाब संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन देगा। वहीं इंडिया गठबंधन के इन चुनावी दावों को बीजेपी ने सिरे से नकारते हुए उनके हर फॉर्मूले के फेल होने की बात कही। एनडीए को हराने के लिए इंडी गठबंधन का अवसरवादी गठजोड़ चाहे जितनी कोशिश करे, जो जतन करे, जो चाहे फार्मूला अपनाए, परंतु ये कामयाब होने वाला नहीं है। जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा रख रही है और एनडीए में पूरी तरह से अपना समर्थन जता रही है। इंडिया गठबंधन के इस चुनावी प्लान के बीच सीएम योगी ने अखिलेश के गढ़ में हुंकार दिया। सीएम सबसे पहले अलीगढ़ गए, जहां उन्होंने एक बार फिर एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि बटो मत, क्योंकि जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं,
बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। ये बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता। सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को अहंकार से भरा हुआ बताते हुए महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर घेर लिया। सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है और लोगों को न्याय नहीं मिलता। तहसीलों में जान दिए उन्होंने, अधिकारियों के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की है। डबल इंजन उल्टे लगे हैं, यह आमने सामने दोनों एक दिशा में नहीं है। लगता तो यह है कि डबल इंजन जो इंजन है अब एक दूसरे को खींच रहे हैं। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि वो हर हाल में सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करे, ताकि लोकसभा चुनाव में जो हार उसे यूपी में मिली उसकी कुछ टीस कम हो सके। वहीं समाजवादी पार्टी ने जो बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में दर्ज की वो उससे गदगद है, और वो भी इन सभी सीटों पर जीत दर्ज कर 2027 में अपनी दावेदारी को और मजबूती से रखने की कोशिश में जुटी है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और अलीगढ़ से अभिषेक माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में उपचुनाव की सियासी जंग में समाजवादी पार्टी ने जो चक्रव्यूह प्लान तैयार किया उसे बीजेपी के अष्टभुजा प्लान की काट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का 8 भुजा वाला ये प्लान क्या है, पहले आप इसे समझिए। इसके तहत उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी के 10 विधायक अपने इलाकों में नुक्कड़ बैठक करेंगे और इसके जरिए मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक किया जाएगा। जातिगत वोट हासिल करने की जिम्मेदारी जातीय नेताओं को दी गई है। जिले के स्थानीय पदाधिकारी चौपाल के जरिए जनता को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। बूथ कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुखों के घर चुनावी बैठक करके उन्हें सम्मान दिया जाएगा। बड़ी चुनावी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी की लोकप्रियता भी दिखाई जाएगी। 8 लोगों की समन्वय समिति टीम 9 जो है वो 9 विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट रोज तैयार करेगी ताकि कमियों को दूर किया जा सके। बीजेपी और सहयोगी दलों के चुनाव प्रचार का रिकॉर्ड रोज संगठन और मॉनिटरिंग सेल को भेजकर उनकी जिम्मेदारी जांच की होगी और इन्हें टिकट जिनको नहीं मिला है उन दावेदारों को प्रचार में आगे रखकर बगावत को रोकने की कोशिश भी होगी। Z News.